भीलवाड़ा में प्राइवेट डॉक्टर से 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है और फिरौती की रकम नहीं देने पर डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पूरा मामला एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के घर पर फोन कॉल पर आता है। डॉक्टर की पत्नी को 50 लाख नहीं देने पर घर को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। डॉक्टर की ओर से सुभाष नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। नरेश खंडेलवाल नाम से डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पुलिस थाना सुभाष नगर पर एक रिपोर्ट दी है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आज लगभग 3:45 के आसपास उनके लैंडलाइन फ़ोन पर एक फ़ोन आया जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको ये कहकर कि वे बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी देने के संबंध में उनसे कुछ पैसे की मांग की। अब भीलवाड़ा में घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, फिरौती नहीं दी तो घर को बम से उड़ा देंगे। तो अभी तक जान से मारने की धमकी बंदूक से मिलती थी, अब 50 लाख की फिरौती नहीं दी तो बम के लिए अब तैयार रहिए। राजस्थान के ये अपराधी हैं जो इतने बेखौफ हो गए हैं। हमारे साथ सहयोगी जयेश पारिक फोन लाइन पर जुड़े हुए। जयेश, डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी अगर 50 लाख नहीं दिए। जी देखिए, मंगलवार को एक अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है जहां पर शहर के एक जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश खंडेलवाल, उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पूरा मामला दोपहर का है जब डॉक्टर के घर पर एक करीब 2:30 के आसपास फोन आता है जिसमें करीब 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। डॉक्टर की पत्नी द्वारा फोन उठाया जाता है जो अचानक सहमने के बाद में अपने पति डॉक्टर नरेश खंडेलवाल को फोन करती है, जिसके बाद में पूरे मामले का खुलासा होने के साथ ही पुलिस सुभाष नगर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। जी जयेश, लेकिन ये तो बेहद ही एक गंभीर मामला हो गया है क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दे दी है, तो इसको लेकर आप, क्योंकि लैंडलाइन पे फोन आया है तो किस नंबर से आया, क्या इसकी कोई जाँच, कोई अपडेट इसमें सामने आया है? देखिए, करीब 2:30 के आसपास की पूरी घटना बताई गई है जिसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में जो BSNL कंपनी का जो लैंडलाइन फोन था उसके कार्यालय में भी पूरी कॉल डिटेल निकलवाने के लिए लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, लेकिन तकनीकी कारणों से अभी तक पूरे मामले को लेकर जो फोन कॉल आया था उसकी डिटेल पुलिस को नहीं मिल पाई है, जिसके कारण से अभी तक जो कार्रवाई है, जो अपराधी जिसने फोन, अज्ञात फोन आया था, जिसके अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने जो बॉम्ब स्क्वाड जो टीम थी उसको भी अजमेर से बुलाया है और साथ ही में पूरी टीम द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह जयेश देखें, इतने बेखौफ हो गए हैं ये अपराधी कि पहले जहां पिस्टल से बात होती थी कि गोली मार देंगे, किडनैप कर लेंगे, अब सीधे सीधे बम की धमकी देने लग गए। जी, आपको बता दूं, भीलवाड़ा शहर में पिछले करीब 1 साल के आसपास से जो अपराधी हैं वो बेलगाम नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में जहां एक तरफ अस्पतालों में भी जहां खुलेआम तोड़फोड़ होने की सूचनाएं सामने आती रही है, उसके बाद में आज जो ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन भी हरकत में नजर आया है। जो अजमेर रेंज IG है लता मनोज कुमार, वे भी मामले पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, उनके द्वारा भी पूरे मामले को लगातार नेतृत्व किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिरौती नहीं देने पर घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने एहतियात के तौर पर बम स्क्वाड को भी भीलवाड़ा बुलाया है। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन भीलवाड़ा से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि धमकी देकर 50 लाख की रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं देने पर घर को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन बेहद ही अजीबोगरीब ये मामला भीलवाड़ा में सामने आया जहां पर रंगदारी नहीं देने पर बम उड़ाने की धमकी दी है।